भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम आदित्य पंडित और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जेएम के पोर्टल पे ऑर्डर कैसे एक्सेप्ट करते हैं और ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद आपको बिल कैसे जनरेट करना पड़ता है। तो आप जैसे ही कभी भी आपको ऑर्डर आया तब ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑर्डर्स का ऑप्शन है, जिसकी मैं अभी डैशबोर्ड्स पे जाता हूँ, आपको ऑर्डर्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आपके पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऐसे दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट, जो रिजेक्ट कर देंगे तो आप ऑर्डर को एज ए कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करेंगे तो नीचे आपको दिख रहा है ऑर्डर कैंसिल, इस तरीके से नजर आएगा। यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो ऊपर देखिए ऑर्डर हमने एक्सेप्ट कर दिया। अभी ऑर्डर एक्सेप्ट होने के बाद आपको यहाँ पे व्यू डिटेल्स में जाना है। आप इसके कॉन्ट्रैक्ट्स डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, जो भी ऑर्डर्स के डिटेल्स होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑर्डर्स के पूरे डिटेल्स मुझे मिल जाएगा। यहाँ से मैं डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, मुझे किस चीज़ का ऑर्डर है, कहाँ कंसाइनिंग करना है, उनका पूरा डिटेल्स मुझे यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स में मिल जाएगा। 3 पेज का है ये, पूरे के पूरे डिटेल्स, क्या स्पेसिफिकेशन है सब कुछ मुझे यहाँ पे, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो सब टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। तो मुझे जैसे यहाँ पे हो गया, अभी इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग सेकेंड स्टेज पे आए हुए हैं, जाता हूँ मैं। देखिए ऑर्डर पे, यहाँ पे ऑर्डर एक्सेप्ट किया, ऑर्डर डिस्पैच ये आपको देना पड़ेगा नीचे। तो आप यहाँ पे इसके लिए इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। इसका इनवॉइस जनरेट करने के लिए व्यू डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मिलेगा मुझे जनरेट, यहाँ पे से इनवॉइस जनरेट होगा। सबसे पहले आपको आपका इनवॉइस अपलोड करना पड़ेगा 5 MB के लिए। जो भी आप इनवॉइस बनाते हैं अपने बायर्स के नाम पे, वो इनवॉइस यहाँ पे अपलोड कीजिए जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। इसके मेरा एक इनवॉइस बना हुआ है तो मैं यहाँ पे इनवॉइस एक अपलोड कर देता हूँ। इनवॉइस इसका इनवॉइस नंबर क्या था, इनवॉइस नंबर डाल दिया, कभी टैक्स के लिए डाला, बिलिंग एड्रेस, यहाँ पे बिलिंग एड्रेस, डिस्पैच मोड ऑफ डिस्पैच कैसा रहेगा, इंडियन पोस्ट कुरियर, कुरियर के थ्रू से मैं भेज रहा हूँ। यदि आप इंडियन पोस्ट करते हैं तो इंडियन पोस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मैनुअल करेंगे तो मैनुअल के लिए पूरा आपको सप्लाई वायर लोकेशन ये सब आपको डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुरियर से कर रहा हूँ। कुरियर के लिए आपका ट्रैकिंग नंबर आप डालिए, जो आपका ट्रैकिंग नंबर होगा जो आपको मिलता है, जो भी आप करते हैं जहाँ से भी। जैसे कि मैं DTDC से कर रहा हूँ, मैं DTDC का URL मुझे डालना पड़ता है, जो मुझे जहाँ से भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ उनका ट्रैक URL डाल देता हूँ। डीटीसी का टाइप ऑफ पैकेज क्या रहेगा, बॉक्स है, कंटेनर है, ड्रम है, कस्टम है, जैसा भी आपका रहेगा वो आप डाल सकते हैं। मेरा बॉक्स है तो मैं बॉक्स करता हूँ। नंबर ऑफ पैकेज कितना है, 1। और प्लेस ऑफ सप्लाई, बायर के लोकेशन पे करना चाहते हैं या कंसाइन, बायर मतलब जी यहाँ पे आपको उसके लिए डिटेल्स आपको कॉन्टैक्ट में भी मिल जाएगा, जो बायर के लोकेशन क्या है और कंसाइनी का लोकेशन क्या है। जनरली हम लोग कंसाइनी के लोकेशन पे भेजते हैं। प्लेस ऑफ अप्लाई कहाँ से होगा, महाराष्ट्र या आपका जो भी स्टेट होगा, आप जहाँ सप्लाई कर रहे हैं वहाँ का डालना है आपको। यदि आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे भेज रहे हैं और GST है तो आपको ईवे बिल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ दे रहा हूँ। इसको यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोड होना चालू हो जाएगा, ये अपलोड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब नीचे आ जाएंगे हम, फिर से टैक्सेबल अमाउंट, सप्लाई क्वांटिटी कितना है, 1, जो भी आपकी क्वांटिटी होगी वो आपको डालना है। यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना है, 1 आ गया है पूरा डिटेल्स। मेरा ये GST का नहीं है इसलिए GST का मुझे डिटेल्स नहीं डालना पड़ा, नहीं तो आपको ये GST का इन्वॉइस डालना पड़ता था। क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो उसके हिसाब से इन्वॉइस मेरा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। इसको प्रीव्यू करना है, ये देखिए प्रीव्यू हो गया पूरा, ये आपका इन्वॉइस हो गया। इसको क्लिक कीजिए और क्रिएट, आपका इनवॉइस हैज बीन क्रिएटेड जेम का।
प्लीज रेफरेंस नंबर, ये आपका रेफरेंस नंबर है, आप इसको कॉपी करके रख सकते हैं, प्लीज नोट रेफरेंस नंबर, ओके, ये मेरा ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया और ये कंसाइनी को चला गया। इसको क्लोज करके आपको दिखाता हूँ फिर से ऑर्डर्स, ऑर्डर मैंने डिस्पैच कर दिया। अभी इनको जब रिसीव होगा तो वो रिसीव पे ओला करेंगे, यहीं तक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्डर एक्सेप्ट करना और ऑर्डर को डिस्पैच करना। रिसीव करना ये सब बायर, पेड करना अमाउंट आपको जब पेमेंट करेगा तो ऑर्डर पे, ये बायर कार्ड, यहाँ तक आपका। हम लोग आगे के वीडियो में हम आपको आगे भी वीडियो बनाएंगे जो ऑर्डर कैसे रिसीव करता है बायर और ऑर्डर कैसे फिर वो पेमेंट करता है, ये हमारे आगे के वीडियो में आपको मिलेगा। इसलिए हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।